तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बोका इफेक्ट कुछ अलग ही टाइप का है और बैकग्राउंड चेंज भी है, और फेस स्मूथ मैं दूसरे तरीके से किया हूँ, दूसरा ब्रश यूज करके, और एक ईजी स्टेप बताया हूँ फेस स्मूथ करने का, तो उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस फोटो को शेयर करते हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले ट्यून इमेज में जाके और थोड़ा सा ब्राइटनेस, एम्बिबियंस एंड हाईलाइट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है, देख सकते हैं कितना कितना। शैडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद से पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इसमें फेस स्मूथनेस जो दिया है इसको हम लोग कम से कम 12 पर रखेंगे और स्किन स्मूथिंग को बढ़ा लेंगे 100% नहीं, थोड़ा सा कम रखेंगे 87, ठीक है। तो देख सकते हैं फेस हमारा थोड़ा सा स्मूथ हो गया है मेरे स्नैपसीड एप्लीकेशन में ही, जो कि काफ़ी अच्छा है, और पहले से स्मूथ हो जाएगा तो हमको स्मूथ करने में ईजी रहेगा आगे चल के, ठीक है। तो अभी फ़ोटो को फिलहाल में हम शेयर करते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो लाइटरूम एप्लीकेशन मेरा ओपन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए। अभी मेरा ओपन हो गया लाइटरूम एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें हमने फोटो को अपने ओपन कर लिया है और इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है देख लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पर जाके और वाइट एंड ब्लैक को कम करेंगे, जिससे हमारा फोटो थोड़ा डार्क हो जाएगा, और शैडो को इंक्रीज करेंगे तो जहाँ भी शैडो रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे, कंट्रास्ट को भी 13% कम करेंगे। उसके बाद से हम चलेंगे विग्नेट वाले ऑप्शन पे, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और उसके बाद से मिक्स वाले कलर मिक्स में जाएंगे, जो मिक्स टूल ऑप्शन आता है कलर में, इसमें जाके और फेस को वाइट करेंगे ऑरेंज टोन से, जो कि हम कर लिए हैं। उसके बाद रेड टोन का ही लुमियंस हाई कर लेंगे, और उसके बाद से इसका येलो टोन में एकदम माइनस रखना है ह्यू और सेचुरेशन, और ग्रीन कलर में चले जाना है और ग्रीन कलर का सेचुरेशन माइनस रखना है, और इसका भी माइनस में ही रखना है येलो टोन, इसको भी माइनस में पूरा ब्लैक बनाना है सिंपल में बोला जाए तो फोटो को, क्योंकि इसको कट पेस्ट करना है, ठीक है ना। फोटो को बैकग्राउंड चेंज करना है, अभी देख सकते हैं मैंने अच्छे से कर लिया है, और उसके बाद से अभी सिंपली डन करेंगे। डन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको डन करने के बाद अभी देख सकते हैं फोटो कुछ इस टाइप का बन चुका है। अभी फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है ना, इस फोटो को सेव कर लेंगे सिंपली, और सेव करने के बाद फोटो को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो ऑटोडेस्क में फोटो को शेयर कर दिए हैं और यहाँ से हम स्मूथ करना बताएंगे, जो कि आप लोगों को एकदम इजी स्टेप में। सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एक नया लेयर ले लेना है, ठीक है ना। तो प्लस के आइकन पर चले जाना है, एक लेयर ले लेना है, जो कि साइड से लेयर वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। लेयर लेने के बाद ब्रश वाले आइकन पर चले जाना है, और इसमें से कौन सा ब्रश चूज करना है और कैसे आप लोगों को स्मूथ करना है ये मैं बताऊँगा। तो एयर ब्रश, जिससे हम लिप कलर करते हैं, इससे आज हम स्मूथ करने वाले हैं। तो एयर ब्रश को ले लेंगे और उसके बाद से सेटिंग में चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, शायद अभी तक ऐसा टूल नहीं पता होगा आप लोगों को। एयर ब्रश लेंगे, उसके बाद से इसका देख सकते हैं फ्लो और साइज़ कितना रखना है मैं बता देता हूँ। 100% फ्लो को कर लेना है, साइज़ को अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और यहाँ से रेड टोन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले अपना लिप कलर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिप कलर कर लिया, देखते रहिए, ऐसे ड्रॉ कर लेना है, और अच्छे से ड्रॉ करके उसके बाद से लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है सिंपली। फिर से देखिए, मैंने ड्रॉ कर लिया है लेयर वाले ऑप्शन पर जाके, और इसका ऑपेसिटी हमको माइनस में रखना है, ठीक है, कम रखना है, जिससे कि थोड़ा कम लगेगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम करेंगे अपना फेस स्मूथ, जो कि कैसे होता है। सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन पे जाके मर्ज कर लेंगे, और मर्ज कर लेंगे उसके बाद से हम स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो स्मूथ कैसे करते हैं ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो अगर मिस करेंगे तो बिल्कुल भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये वाला ब्रश मुझे यूज करना है, तो ये वाला ब्रश मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ से, जो कि मार्कर लिखा हुआ है, इसको यूज करना है। और इसका सेटिंग देख सकते हैं कितना है, हार्ड लाइट जो लिखा हुआ है इसको हमको जाके और इसको स्मज पे कर लेना है, ठीक है ना। स्मज दिया हुआ है, इस पर हम लोग ओपे टैप कर लेंगे, और उसके बाद से देख सकते हैं तीन ऑप्शन खुल के आ जाता है, फ्लो, स्ट्रेंथ एंड साइज, ठीक है। फ्लो को कम रखेंगे, साइज स्ट्रेंथ को भी कम रखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कितना पर रखना है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं, और साइज़ को अपने हिसाब से बड़ा कर लेंगे, ठीक है, साइज़ को बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। देख सकते हैं कैसे स्मूथ हो रहा है, तो ऐसे ही स्मूथ कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से स्मूथ हो रहा है, तो ये ब्रश काफ़ी अच्छा है स्मूथ करने वाला,
जो कि आप लोग शायद सोचे नहीं होंगे, तो इससे हम स्मूथ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और कई सारा टूल है अलग अलग फ़ोटो के हिसाब से स्मूथ करने वाला, जो भी होता है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ये वाला ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसका भी एक बार यूज़ कीजिए, उसके बाद से कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या रिज़ल्ट मिला, कैसे लगा। तो ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने यूज़ किया और आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही आप लोग को स्मूथ करना है, और वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ भी रहता है। ठीक है, आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग के 2-3 मिनट देख लेते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारा स्टेप होता है जो कि वीडियो के बीच में आता है, लास्ट में आता है। तो आप लोग वीडियो को वॉच करा कीजिए, अगर आप लोग वॉच करते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर ही जाएंगे वीडियो से। तो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो अच्छा फ़ोटो एडिटिंग कर पाएंगे। काफ़ी लोग हैं जो कि अभी कॉल करके बोलते हैं कि आपका वीडियो समझ में नहीं आता। भैया, जब आपको वीडियो कैसे समझ में आएगा जब आप पूरा नहीं देखोगे, तो आप वीडियो को पहले पूरा देखो तब ना समझ में आएगा। मुझे भी तो काफ़ी टाइम लग रहा है ना समझने में, 2-3 साल लग गया, तो आप 2-3 महीने में कैसे समझ सकते हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखा कीजिए, समझ जाएंगे। तो यहाँ से अभी मैंने स्मूथ कर लिया है, फ़ोटो को ऐसे सेव कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को सेव कर लिया है, अब हम चलेंगे अपने गैलरी में। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने फ़ोटो को ओपन कर लिया है, और ये वाला बैकग्राउंड है जो कि आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अलोन डिज़ाइन सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस फ़ोटो को हमको सिंपली अपने शेयर कर देना है स्नैपशीट में, और यहाँ पे आके लेंस ब्लर लेंस का यूज़ करके इस बैकग्राउंड को ब्लर कर लेना है। ठीक है, अच्छे से ब्लर कर लेना है, देख सकते हैं ब्लर मैंने कर लिया है। और ब्लर करने के बाद सिंपली इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे, और शेयर करके ओपन करेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। ठीक है ना, तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर कर दिया, काफ़ी ज़रा ब्लर फोटो लग रहा है और HD भी लग रहा है। ठीक है, ऐसे करके बैकग्राउंड को हमको एडजस्ट करके एडिटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मैंने इसको यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेना है, और यहाँ से हम लोग कटआउट करेंगे इसका, डायरेक्टली कटआउट करेंगे। यहाँ से कटआउट का एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं इसमें कटआउट का एक ऑप्शन, कैंची का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर टैप करके और पर्सन पे क्लिक कर देना। देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से फ़ोटो कटआउट हो चुका है। अभी हम फोटो को यहाँ से डन करेंगे, ऊपर राइट क्लिक का ऑप्शन मिलता है, डन कर लेंगे, और यहाँ से फ़ोटो को एकदम अच्छे से साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से एकदम बैकग्राउंड भी एकदम HD क्वालिटी में स्मूथ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप लोग भी एडिटिंग कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने कर लिया, अब बोके इफेक्ट का बारी है, तो ऐड फोटो में जाके हम अपना बोके इफेक्ट वाला PNG को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट अपने फाइल में चला गया, और यहाँ पे मेरा मिल जाता है बोके इफेक्ट वाला PNG। ठीक है, ये वाला PNG है जिसको एक स्क्रीन में ब्लेंडिंग मोड इसका स्क्रीन पर रख के लगा लेना है, और सिंपली ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करके इसका डुप्लीकेट लेयर 3-4 गो 5 गो जितना भी आप लोगों को लगाना है उतना आप लोग लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देख सकते हैं मैंने जैसे कि 6-7 करके ऐसे और लगा लिया है, जो कि काफ़ी औसम लगता है अभी के टाइम में, ये फ़ोटो ट्रेंड में चल रहा है। तो आप लोग भी ऐसा फ़ोटो बनाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए और अच्छा खासा लाइक लीजिए अपने फ़ोटोज़ पे। तो देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को यहाँ से डन कर लिया है, जो कि काफ़ी कमाल का फ़ोटो लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा और काम बचा है इस फ़ोटो में, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेंस लगाना है, तो ब्यूटी टूल में जाके और आई लेंस पे क्लिक करके और अपने आंखों में लेंस को लगा लेना है। तो लेंस लगाना आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, देख लो। तो ऐसे सबसे पहले ये जो गोल कर्सर दिखाई रहा है आंखों में, इसको एडजस्ट करके और जो भी लेंस लगाना है उसको सेलेक्ट करके इरेजर वाले ऑप्शन पर जाके इरेज कर लेना है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने सेम बैकग्राउंड का ही कलर, आई कलर चूज़ किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है ना, बैकग्राउंड का कलर अगर चूज़ करते हैं तो अच्छा लगता है। और इसका ऑपेसिटी थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि ओवर लग रहा था, कम करके मैंने सेट कर लिया है। तो अभी मेरा फ़ोटो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। अब फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, फ़ोटो तो अभी सेव हो गया, अब हम फ़ोटो को शेयर करते हैं, देखते हैं। फ़ोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, तो ये ट्रेंडिंग फ़ोटो है, आप लोग ऐसा बनाइए और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, ऐसा दिक्कत नहीं है। एक बार और इस फोटो को शेयर कर लेंगे अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, और फोटो को शेयर करने के बाद फिर से हम Lightroom में चलेंगे, थोड़ा सा कलर को और ज़्यादा डार्क करेंगे, और ज़्यादा कलर करेंगे जिससे फ़ोटो अच्छा लगेगा। तो वाइट एंड ब्लैक दोनों को कम करेंगे, और उसके बाद से शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, शैडो को इंक्रीज करेंगे, और शैडो को इंक्रीज करने के बाद हाईलाइट कंट्रास्ट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा और फेस को वाइट कर लेना है, यहाँ सेचुरेशन माइनस
और लुमियंस को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। सो देख सकते हैं काफ़ी ऑसम लग रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है फोटो। ब्लू टोन में जाके थोड़ा सा अगर चाहें आप लोग सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, आपका फ़ोटो और भी कलर में आ जाएगा, निखर के सामने आपके मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने देख सकते हैं ये बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने बनाया है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू टोन पीछे का और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपली वैसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो इतना पे आप लोग भी फ़ोटो को अपने सेट कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का बन गया जस्ट आप लोगों को 9 से 10 मिनट में। तो आप लोग भी ऐसे वीडियो को पूरा फुल वॉच किया कीजिए और आप भी अपना फ़ोटो पे ट्राई करके देखिए, और मैं गारंटी देता हूँ आप भी ऐसा फ़ोटो बना पाएंगे। और रहा बात फ़ोटो का क्लियरिटी कम होने का, तो वो भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक